वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं इस पबजी मोबाइल। एंड गाइस, आज की वाली वीडियो में गाइस थोड़ा हट का टॉपिक है, क्योंकि गाइस अभी गाइस मैं जब पबजी खेल रहा हूँ तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा भाई, मेरे पास कोई कपड़े नहीं है भाई ढंग के से। तो फिर ढंग के जब तो अपन को पहनने पसंद नहीं है। और गाइस मैंने यहाँ पर एक बंदे के पास खतरनाक वाइट कलर के कपड़े देखे थे, सो मुझे उसे मार के लेना था क्योंकि वो दे नहीं रहा था। और तभी गाइस मैं देखता भाई पबजी में, भाई क्या कर रहे हो भाई साहब तुम, ये देखो भाई भाई मतलब भाई इसका कैंप करने का स्टाइल देखो। ये अंदर गया, ये आया, और भाई मतलब गोल्ड में जा चुका है भाई तू, पिछले सीजन माना, बट लेकिन भाई इतना कैंप क्या कर रहा है भाई। सो गाइस फिलहाल तो इसके कैंप को परे मारो, सो मैं इसको लूट लेता हूँ। एंड अब गाइस मैंने इसके ले लिए थे कपड़े, और गाइस मेरे को थोड़े बहुत इसके भी कपड़े सही लगते हैं। और गाइस तभी मेरे पीछे से गाड़ी जाती है, बट लेकिन मैं उसे इग्नोर मारता हूँ। बट लेकिन फिर मैं सोचता भाई किल चाहिए, अब किल के लालच में भाई बंदा पता भाई मर जाता है, बट लेकिन किल नहीं छोड़ते। वैसे ही मेरे दिमाग में भी खाज हो रही थी, बट लेकिन तुम्हारा भाई वापस आ जाता है क्योंकि मुझे यहाँ से फुटस्टेप्स आ गए थे, समझ रहे भाई, इतने तगड़े हेडफोन लगा के तुम्हारे भाई ने दूर के फुटस्टेप्स आ गए थे। और तभी मुझे इस बंदे का टकला दिखा एंड थोड़ा बहुत एक गोली लगी इसके। और भाई मान लो अगर तुम्हारे पास भाई अच्छा खासा मतलब लूट है, M4 है, 6X है, सब कुछ है भाई, DP28 तक है, तो तुम छुपोगे क्या बंदे से? मतलब भाई कैंप करोगे क्या? जाओगे, रश करोगे, फेड़ोगे, मारोगे बंदे को, है ना भाई? क्यों सही बोल रहा ना भाई? बट लेकिन ये भाई साहब जी चुप कर मतलब मौका देख रहे थे कि कब भाई मैक्सो बाहर आए और उसे पेल दूं मैं। बट लेकिन तुम्हारा भाई भी बहुत चलाक था, इन्हें मैंने इसको बाहर आने तक ही नहीं दिया, हील कर रहे थे भाई साहब जी वहाँ पर बैठ कर, वहीं पे तेड़ फेड़ एंड फिनिश कर दिया इसको मैंने। और मेरे को पता लगता है भाई इसके पास है M4, चलो भाई चक लेते, जल्दी चक लेते भाई, इससे पहले कि कोई और आके चक जाए या मेरे को पेल दे। चक लेते भाई, कोई भरोसा नहीं है, पबजी है भाई, माइनक्राफ्ट नहीं है जो कि भाई पता लग जाएगा कि हाँ भाई पिले जा रहे सारे करते करते आएंगे। और अभी गाइस मुझे पता था पीछे की गाड़ी जा रही है, बट लेकिन मैं मेरे को पता नहीं चलता कि भाई वो गाड़ी वाला किधर को जा रहा है। एंड गाइस तभी मुझे प्लेयर दिखता है, पर भाई क्या हो गया भाई, मम्मी ने दोबारा दूध लाने भेज दिया किसी को। बट लेकिन मैं सोचता हूँ भाई यार ये तो चल रहा है भाई, कहाँ भेज जाओगे मम्मी ने सिर्फ। और गाइस ये अभी नहीं मरता मेरे से, आगे चल के मर जाएगा। तभी गाइस जो रेड रेड सी मेरे पे लेजर सी आ रही थी, मेरे को पता नहीं है भाई क्या है ये, भाई है क्या भाई, वो अलग ही सी चीज़ घटिया सी अबाड़ कबाड़ सी जैसे आ गई भाई। मुझे तो लग रहा था कि गाइस ये एबिलिटी है, सो मैंने चेकआउट करा, जगह ये गाइस थोड़ा बंदों को बताया सेंस करने के लिए होती है किधर बंदा कौन सा है क्या कर रहा है कौन सा मतलब खेत की मूली खा रहा है। और तभी गाइस मेरे पीछे से मैं सोच ही रहा था एक क्या है स्प्रे आता है, जो कि गाइस बहुत ही लेजर था। एंड गाइस इस स्प्रे से मैं बच जाता हूँ और हील मारता हूँ। सबसे पहले तुम्हारा भाई एनर्जी ड्रिंक मारता है, मेरे को चाहिए थी बूस्ट अपने हेल्थ में। और गाइस कभी भी आप लोग रश कर रहे हो ना, पहले बूस्ट मार ले करो। और एक तो गाइस ये गाड़ी वाला बंदा ना मेरा आर पार इतना गंदे तरीके से घूम रहा था ना, अभी भी घूम रहा था गाइस, वो ये नहीं है वो। गाइस मैं इसके पार रश मारने से डर रहा था थोड़ा, क्योंकि भाई इसने मोस्टर ट्रक जिस हालत में खड़ा रखा था, मुझे लग रहा था भाई पेल पुल देगा, इसने तेड़ फेड़ कर रखी है। लेकिन तभी मेरे को अलग ही सा डर लग जाता है गाइस, मैं डोर ओपन करते ही नीचे को जाता हूँ। एंड गाइस मेरे को पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं वापस जा ही रहा हूँ, तभी मुझे बड़े ही गंदे वाले फुटस्टेप्स आते भाई एक बंदे के, जो कि बहुत ही खुंदस में घूम रहा है इधर से उधर। तो गाइस मेरे को आते पार साइड से फुटस्टेप्स, और तुम्हारा भाई यहाँ पर RDS खोल कर निशाना लगा लेता है, बस वही आएगा छत में फेर दूंगा इस बंदे को। और करता भी ऐसे ही है भाई, छत में आ जाता है इसकी, मैं भी ऐसी की तैसी फेर देता हूँ। बट लेकिन गाइस अब अपने को इसकी लूट चाहिए थी, क्योंकि मुझे भी आगे चल गया वो बंदा मारना है जिसके मुझे व्हाइट कलर की ड्रेस चाहिए थी। सो उस बंदे को भी ढूंढेंगे भाई लोग आगे चल के, और उस बंदे को ढूंढना है जब, तो भाई मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है, तो सब्सक्राइब कर दो भाई, तेज आएगी मेरे पे फुर्ती फुर्ती सी आ जाएगी। अगले एपिसोड में हम इससे भी तगड़ा मैच डालेंगे। और गाइस ये वही बंदा था, और मैंने इसके ड्रेस चख ली थी। एंड गाइस ये ड्रेस बहुत ही सही लगी मुझे, एपिक है भाई, कतई एपिक है। वैसे आप लोगों को कैसे लगी बताना भाई कमेंट सेक्शन में। एंड गाइस मतलब वेक्टर पे जच रही हो चाहे ना जच रही हो, बट लेकिन मुझे थोड़ी बहुत तो सही लगी। एंड थोड़ी देर तुम्हारा भाई यहाँ पे कैंप करने लग गया था, बट लेकिन तभी मैं यहाँ पर आके लेट गया था, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता था कि भाई साहब अभी मैं मर जाऊँ, क्योंकि गाइस मुझे बहुत ही गंदे वाले फुटस्टेप्स आ रहे थे इधर उधर दाएं बाएं अंदर ऊपर नीचे वो चारों तरफ से आ रहे थे, सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देता मैं। फिर गाइस मेरे को पता लगता है कि भाई मेरे आसपास ड्रॉप आ गया है, तो तुम्हारा भाई सीधा ड्रॉप वाले बंदे पे करता, और ये वही बंदा था भाई गाड़ी गुड़ी लेके जा रहा है। इसकी भी पेटी चमकाएंगे हम, बेटे तेरे भी पेटी आगे चल के चमकाएंगे, कोई बात नहीं। अरे बच गया भाई चिमकांडी कहीं का, चलो कोई बात नहीं भाई, ड्रॉप तो ये लूट नहीं पाएगा, क्योंकि गाइस
वीकेंडी का है ना जो भी मैच है गाइस, ये ऐसा मैच है मैप है ना गाइस जिस पे गाइस हमारे को AWM M249 बहुत ही कम देखने को मिलती है। एंड गाइस ये दोबारा से खुशकियाँ लेने के लिए आता है मेरी तेरी भाग जाए वहाँ से। और गाइस तभी मुझे पता लगता है कि भाई साहब मेरे सामने वाले घर से फुटस्टेप्स आ रहे हैं और ये बंदा रुक जाता है इस घर में। और बेटे तेरी तो मौत मेरे हाथों थी तभी तो तू रुका है। और गाइस एक काम करता हूँ ना इसको मार देता हूँ भाई अंदर जाकर। चलो 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 चलो। और गाइस अब देखना भाई ये होगा दूसरा बंदा जो मतलब भाई TPP ले रहा था इतने गंदे वाले। एंड ये देखो तुम्हारा भाई ने भी TPP लेनी शुरू करी, एक आधी बॉडी शॉट मारे बिना रिलोड करे हुए तुम्हारा भाई M4 हाथ में लेके। एंड ये जंप एंड शॉट और इस बंदे का भी खेल खत्म। और ये वाला क्लच अगर आप लोगों को क्लच आ गया जो कुछ भी हो भाई ये वाला मतलब फाइट आप लोगों को पसंद आएगी जब तक लाइक कर दें चैनल में तो सब्सक्राइब कर दें। हम लोग 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत गरीब है। और ये चलो फिर आ गया भाई अबे वो भाग दे बेटे नहीं तो रैप्ट ऐसे पड़ेंगे ना अगली बारी पबजी खेलने से भी गएगा भाई आस पास रहो तुम लोग मार देंगे क्योंकि हमारे को कई बंदे आकर। अब भाई काफ़ी सारे बंदों की पेटी पुटी चमका तुमको कि तुम्हारा भाई खुश हम खुश होकर यहाँ से जा ही रहा था तभी मैं सोचता हूँ भाई 4 किल यार बहुत कम है यार और लूट करने के सिवाय मैं भाई बंदों को ना मार दूँ तभी मैं सोचता इसके अंदर कुछ पड़ा है इसके अंदर पड़ी हुई थी गाइस हीलिंग। तो तुम्हारा भाई सबसे पहले तो भाई हील चक लेता है एंड मेरे को पता था क्योंकि भाई आगे जाके लोड पड़नी है इसकी तो चक लेते हैं भाई शांति से। और गाइस मेरा जो बगल में फ्रेंड बैठ रहा था वो मेरे को बहुत दिमाग ख़राब कर रहा था कि भाई साहब गाड़ी चाक तो मैं कहता हूँ नहीं भाई बंदों की आवाज़ आ जाएगी। और गाइस तभी मुझे ये बंदा दिखता है बेटे तो पहले तो बच गया था आप नहीं बचने वाला भाग भाग। और ये भागने की कोशिश करता है इसको यहीं पे भाई पेटी चमका देते हैं इसकी तो अपन लोग लो। पूरा मैच बढ़िया चल रहा था कुछ प्रॉब्लम नहीं थी पूरी ज़िंदगी मस्त चल रही थी तभी मैं इधर देखता क्या है भाई ये तभी पीछे वो बंदा आकर लेट जाता है जो कि मेरे गाड़ी आसपास घुमाया जा रहा था। तो गाइस तुम्हारा भाई एक और भाई जंप एंड शूट कर लेता और भाई ऐसे लेट हो गए तो कहाँ चलेगा भाई हैं। और ये वाला सीन कैसा लगा गाइस बताना। अभी तक गाइस मैं एक भी बंदे पे रश करने से डरा नहीं था क्योंकि भाई तुम्हारे भाई को पता था भाई बच जाना है तुम्हारे भाई ने क्योंकि भाई अभी पूरा जोश में खेल रहा था तुम्हारा भाई मजाक में नहीं गाइस सीरियस में खेल रहा था तुम्हारा भाई और मैच तो मैं मजाक में खेलता हूँ भाई। एंड गाइज अभी तक पूरा सही चल रहा था मैच और मेरे को नहीं पता था भाई पीछे से गाड़ी आ जाएगी। और गाइज जोन भी अलग ही तंग कर रहा था गाड़ी भी अलग ही तंग कर रही थी और मेरे पे दूसरी गाड़ी उठाने का मन नहीं करा और उतनी देर में कुछ चल गया। सो आई थिंक सो गाइज आपको अली वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई होगी तब तो लाइक कर देना चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइज बाय टाटा एंड टेक केयर।